I love Mithunda हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूं। तो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होने वाला है। तो एक मैं बेहतरीन लोकेशन, अपनी फेवरेट लोकेशन पे आया हूं, जहां मुझे आना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फाइनली एक वॉकिंग ट्रैक है, ये साइकिल ट्रैक है और आगे वॉकिंग ट्रैक है, और ये मुझे लोकेशन बहुत ही अच्छी लगती है। तो आपसे शेयर करने वाला हूँ, यहाँ से आपको सैंडबिटिक शूट लेके भी दिखाऊंगा। और आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको लोकेशन ये कैसी लगी, और जब भी आप अजमान में आएँ तो यहाँ ज़रूर आइएगा, आपको इंशाल्लाह एक अच्छा सा सीन देखने को मिलेगा। तो देख सकते हो आप पीछे, अभी आपको सेल्फिक शूट लेके दिखाऊंगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो फाइनली मैं एक अच्छी लोकेशन पर पहुंच चुका हूं। ये पीछे आपको परिंदे नज़र आ रहे होंगे, इन परिंदों का नाम सबेरियन और उबरा है। ये रशिया से 4000 किलोमीटर का फासला तय करके यूई की सरजमीन पे आते हैं। जब वहाँ रशिया में सर्दी पड़ने लग जाती है तो ये इधर आ जाते हैं, और जब यहाँ गर्मी पड़ने लग जाती है तो कुछ परिंदे वापस चले जाते हैं, कुछ परिंदे यहीं रह जाते हैं, जिनका दिल लग जाता है। जैसे हमारा दिल लगा हुआ यूई में, इनका भी कुछ दिल लग जाता है, पर ज़्यादातर अपने चले जाते हैं। रशिया से 4000 किलोमीटर का फासला तय करके वहाँ से उड़ के आते हैं। देखो अल्लाह ताला की कुदरत कैसी है। और यहाँ ये सिपियाँ होती हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सिपियाँ, इसमें एक कीड़ा होता है जिसको मतलब ये लाइक करते हैं, अपनी खुराक में इस्तेमाल करते हैं। और ये सिपियाँ पहले ज़माने में इनमें से मतलब जिसे हम कहते हैं पर्ल ड्राइविंग, यहाँ मोती ढूँढना, पहले अरब जैसा मतलब उनका मोती समंदर में जा कर ढूँढा करते थे और उसका बिजनेस किया करते थे। वो अच्छा खासा इससे यूई की 1912 या 1900 इस लगभग की बात है, जब यहाँ मतलब इस काम से मतलब मोती ये जो हीरे जवाहरात होती हैं, इस काम से मतलब काफ़ी यूई की इकॉनमी में इजाफा हुआ था। और अल्लाह ताला ने इस मुल्क को तरक्की दी, और अल्लाह ताला मुल्क को तरक्की देता रहे। ये हमारी इज़्ज़त का बाइस बना और हमारे रिज़्क का बाइस बना, अल्लाह ताला इसे हमेशा सलामत रखे। और ये 4000 किलोमीटर का फासला तय करके यूई की सरजमीन पे आते हैं। और गाइस, हम फाइनली आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र करते हैं, आपको अच्छा से अच्छा लोकेशन दे सकें। तो प्लीज़, सो गाइस, गाइज़ अभी मैं फ़ाइनली अजमान के इलाका सफ़िया एरिया में खड़ा हूँ। ये बिल्कुल पीछे देख सकते हैं, ये जज़ीरा नुमा इलाका है सारा, मतलब अभी भी है। और बाज़ुकात जज़ीरा नुमा इलाका यही होता है, कभी कहीं से जिसे हम पंजाबी में कहते हैं डूंगो हो जाता है, कहीं ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है, यही होता है बाज़ुकात। तो पानी जहाँ मैं इधर खड़ा हुआ हूँ, बाज़ुकात इधर से भी पानी बहुत आगे तक चला जाता है। और बाज़ुकात देख सकते हैं पीछे कितनी दूर तक पानी है। जितना हवा का ज़्यादा प्रेशर होता है उतना ही पानी मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, और समंदर उफड़ने लग जाता है, जैसे हमारा पाकिस्तान का हाल हुआ आजकल सियासत का और आवाम का। इस्टेब्लिशमेंट का तो इसी तरह अभी मैं खड़ा हूँ, पीछे मेरे परिंदे हैं और ये मुझे बहुत ज़्यादा सीन अच्छा लगता है देखने को। तो फाइनली मैंने कुछ दिन पहले इधर शिब्बे भी विज़िट किया था, वो मैं आपको वीडियो उसके अंदर इंटर कर दूँगा, अब देख लेना। 5 दरम में तकरीबन आप यहाँ की सैर कर सकते हैं अंदर बजरिया क्रूज़ के ज़रिए। छोटा क्रूज़ है, बड़ा क्रूज़ नहीं है, जैसे जूई में जो दुबई में होता है, ये अजमान का छोटा क्रूज़ है। इस पर आप, बड़ा भी है इधर मरसा अजमान में, और इधर स्पेशल आप करवा सकते हैं अलजोहरा में। और ये अभी मैं अलसफिया इलाका में खड़ा हूँ। तो फाइनली ओके गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ सपोर्ट, लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। I love you.
सो गाइस फाइनली मैं अंदर तक जा चुका था और मेरे शूज बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं अच्छे से, और देख सकते हैं यहाँ आप कभी भी कोशिश नहीं करिएगा अंदर जाने की, बिल्कुल ये दलदल में फंस सकते हैं आप। तो अभी बहुत ज़्यादा मतलब शूज़ ये ख़राब हो चुके हैं, आपको दिखा नहीं सकता मैं इतने शूज़ ख़राब हो चुके हैं, और यहाँ सांप बिच्छू भी हो सकते हैं, बिल्कुल वैरान है सारा, दरख्त ही दरख्त है। तो अभी इस पाँव को जाकर वॉश करता हूँ, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं जैसा कि मैं आपको बता रहा था पहले कि शूज़ मेरे बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, देख सकते हैं आप कुछ इस तरह का सीन है। और आप ट्राई कर रहा था आगे जाने की, इस समंदर में हाथ लगाऊं पानी को, पर समंदर दलदल थी, बिल्कुल पाँव फंस चुके थे, तो दोस्त था साथ, उसने कोशिश की और बाहर निकल आया, वरना वहीं फंस सकता था। ओके गाइस अभी चलते हैं किसी अगली लोकेशन पे, बार बार यही कहता हूँ कि सपोर्ट किया करें, वीडियो को देखो कितनी मेहनत से बनाते हैं, और आप एक सब्सक्राइब कर देंगे लाइक कर देंगे तो आपका क्या जाएगा, कुछ नहीं ना, तो हमें हमारी मेहनत का फल मिलना चाहिए, तो लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और सब्सक्राइब किया करें।